सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मानव क्षमता पोर्टल पर एक नया अपडेट आया हुआ है। मानव क्षमता पोर्टल से शिक्षक अपनी ID कैसे डाउनलोड करें यानी प्रिंट करें, यह प्रक्रिया आपको ID कार्ड बनाने का सही तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार से आपको मानव क्षमता पोर्टल पे आपको अपनी ID सर्च करेंगे और ID कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए अपडेट। ID कार्ड जनरेशन प्रोसेस को देखते हैं, किस प्रकार से ID कार्ड अपना बनाएंगे। लॉगिन विद ऑफिस एडमिन ID एंड पासवर्ड, जो हमारा मानव क्षमता EHRMS ID है उसे हम ओपन करेंगे और यहां से लॉगिन करेंगे, जो एरो दिया हुआ है EHRMS लॉगिन, और लॉगिन पे जाकर के अपनी ID और पासवर्ड डालेंगे। ID पासवर्ड डालने के बाद जब हम इसको डेस्कटॉप मोड पे, तीन लाइनों पे जाएंगे, डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जनरल के बाद दिया होगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे दूसरे नंबर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप एरो बटन रेड से दिया हुआ है ID कार्ड जनरेशन, ID कार्ड जनरेशन पे यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ID कार्ड को फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ID कार्ड वेरिफिकेशन है ID कार्ड में ही, तो उसे ID कार्ड वेरिफिकेशन को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद कर्मचारी का कैडर और पदनाम चुनेंगे और उसके बाद लिस्ट टाइप में नॉट वेरीफाइड सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन फॉर ID कार्ड को क्लिक किए जैसे, तो यहाँ पर कैडर आएगा। कैडर आपका एज ए असिस्टेंट टीचर हैं या हेड मास्टर हैं, हेड टीचर हैं या इंचार्ज हेड टीचर हैं, इसको आप क्लिक करेंगे। और डिजिग्नेशन और लास्ट लिस्ट टाइप में नॉट वेरीफाइड कर लेंगे। नॉट वेरीफाइड करने के बाद इसे हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा ये पेज ओपन होता है। नीचे दी गई सूची में से जिन कर्मचारियों का ID कार्ड प्रिंट करना है उनको सेलेक्ट करके, आपके विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ है, टीचर्स हैं, सबकी सूची इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 करके आएगी, जो भी आप यहाँ किए होंगे। यहाँ पर आपने कैडर में जैसे खंड शिक्षा अधिकारी डिजिग्नेशन, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो यहाँ पर आप अपना टीचर्स का डालेंगे और लिस्ट में नॉट वेरीफाइड कर देंगे, तो कैडर इस हिसाब से आप अपना, और जिस टीचर का आपको प्रिंट सेलेक्ट करना है इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और उनकी जो डिटेल्स है जैसे EHRMS कोड है या उनका नेम है और हिंदी में भी नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी और डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ब्लड ग्रुप और एड्रेस, ये सब आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यदि किसी के डेटा में कोई गलती है तो पहले उसका संशोधन करने के उपरांत ही वेरीफाई करेंगे। उसको वेरीफाई करने के पहले हमें डेटा को चेक करना है। सभी टीचर्स के ही डेटा आप चेक कर लीजिए ताकि कोई भी अपनी ID कार्ड डाउनलोड यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 by 1 सबकी डेटा चेक कर लेंगे और उसके बाद ही हम उसको वेरीफाई करेंगे। उसके पहले वेरीफाई यदि कर दिया तो फिर वो संशोधन नहीं होगा और ID कार्ड में आपको डुप्लीकेट ID बनाना पड़ सकता है। डाटा को ध्यानपूर्वक मिलान करना आवश्यक है, अन्यथा एक बार ID प्रिंट हो जाने के उपरांत अगर कोई डेटा गलत है तो ID कार्ड की डुप्लीकेट कापी ही निकाल सकेंगे। तो इस प्रकार से नीचे आप वेरिफिकेशन है सबसे नीचे दिया हो उसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ओके। जिस कैंडिडेट का आपको सेलेक्ट कर रहे हैं प्रिंट के लिए उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा मिलान करने के उपरांत वेरीफाई सेलेक्ट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई सेलेक्ट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे, जो सबसे नीचे ब्लैक ब्लॉक दिया हुआ है उसको हम वेरीफाई सेलेक्ट लिखा है, इसको क्लिक कर लेंगे और ये ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस प्रकार से ये कैडर, डिजिग्नेशन, लिस्ट टाइप में पहले हम अनवेरीफाइड किए थे, नॉट वेरीफाइड, अब यहाँ पर वेरीफाइड होकर के आ रहा है। अब यहाँ पे सर्च और ये डिटेल्स आ गया, उनका नाम और ये डिटेल। अब इसके बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद
फिर ये इस प्रकार से हम एडमिनिस्ट्रेशन में फिर जाएंगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर की लाइन में, और यहाँ पर आईडी कार्ड जनरेशन में क्लिक करेंगे। फिर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन का पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे स्टेप में जाएंगे आईडी कार्ड प्रिंट, जो ग्रीन कलर से शो कर रहा है, इसे हम आईडी कार्ड प्रिंट को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारा रिपोर्टिंग ऑफिस रिपोर्टिंग ऑफिस स्टेट उत्तर प्रदेश आएगा, ऑफिस लेवल DSA, और डिस्ट्रिक्ट जो जिस जनपद में होंगे आप अपना चेक कर लेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिस DSA जिस जनपद से हैं उस जनपद का नाम DSA के साथ, और डिजिग्नेशन जिस जो आपकी डिजिग्नेशन है, एम्प्लाई नेम आपका एम्प्लाई नेम आएगा जिनकी आप जो है कर रहे हैं, और उनका ऑफिस इंचार्ज हेड हैं क्या हैं, और इसके बाद जनरेट आईडी कार्ड को क्लिक कर लेंगे। ये जनरेट आईडी कार्ड को क्लिक करते ही ये हमारा इसको फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये सैंपल आईडी कार्ड आपका इस प्रकार से बन करके आ जाएगा, जो नाम डिजिग्नेशन या आपका विद्यालय का नाम सारा डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगा। ये फ्रंट साइड रहेगा और ये बैक साइड, ये आप फोटो यहाँ पे आप अपनी चस्पा कर लेंगे, और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफिस आपका यहाँ पर ये आईडी कार्ड आ। इस प्रकार साथियों आशा करता हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा, और इन्हें आप वन बाय वन स्टेप से आप जाएंगे और इस प्रकार से अपने मानव समुदाय आईडी को ओपन करके आप अपना आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो साथियों यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।